हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो HTML की है और HTML में इनक्रिप्टेड अगर आपको पासवर्ड एंटर करना है, यूजर आईडी एंटर करनी है तो उसके लिए क्या कोडिंग लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से HTML से स्टार्ट कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे हेड जो आता है पोर्शन उसको जरूर लिखिएगा। फिर यहाँ पे टाइटल आपको देना है, क्योंकि ये CSS नहीं है तो यहाँ पर टाइटल हम दे देते हैं। और टाइटल में क्या दे देंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। पासवर्ड तो वैसे इनक्रिप्टेड ही होता है, तो यहाँ पे मैं टाइटल में यही दे देता हूँ, ठीक है। इनक्रिप्टेड पासवर्ड ये हमने दे दिया और यहाँ पे टाइटल बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे। इस तरीके से बॉडी टैग को हमने कर दिया ओपन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, इनपुट टाइप टैग लगाऊंगा और इनपुट टाइप टैग लगाने से पहले यहाँ पर मैं फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पे देखिए, ये टाइटल टैग एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी क्लोज हो जाता है, इसको पहले हटाता हूँ यहाँ से। ये इस तरीके से ये हट गया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अब बॉडी टैग के अंदर ही हमें देना है। देखिए बॉडी टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, यही तो ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर का फायदा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म हम बनाएंगे तो यहाँ पर खाली लिख देंगे फॉर्म, फॉर्म नीचे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्लोज ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए ये क्लोज अपने आप हो गया। तो ये आदत पड़ी हुई है नोटपैड पे कोडिंग करने की, इसके वजह से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर हम देंगे क्या, यहाँ पर देंगे फर्स्ट नेम या फिर हम दे सकते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी दे देते हैं, फर्स्ट नेम देने की जरूरत नहीं, फर्स्ट नेम तो हम बना ही नहीं रहे हैं, यूजर आईडी देना है हमें, ठीक है। तो ये दे दिया यूजर आईडी, इस तरीके से यूजर आईडी दिया। और यूजर आईडी जैसे ही हम देंगे तो यहाँ पर हमें देना है अब क्या, यूजर आईडी देने के बाद इनपुट टाइप टैग लगाना है, क्योंकि इसी के अंदर तो हम लगाएंगे वो यूजर का नेम एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो यूजर आईडी दे दिया, इनपुट टाइप में टेक्स्ट देंगे क्योंकि नाम तो टेक्स्ट ही होगा, तो ये टेक्स्ट दे दिया। और टेक्स्ट देने के बाद इसको क्लोज करना है हमें, तो इस तरीके से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद क्या करना है, जैसे क्लोज करेंगे इसको स्मॉल में ही लिखते हैं, वैसे कैपिटल भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन स्मॉल में लिखते हैं ज्यादा बेहतर। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम नेम देने के बाद, जैसे नेम टेक्स्ट टाइप होगा और यहाँ पे दे देते हैं नेम, ठीक है। क्या देंगे, नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू, नेम में क्या देंगे, यूजर देंगे, यूजर, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू कर दिया डबल कोट्स में यूजर, यूजर इस तरीके से कर दिया। और ये हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमें ये देना है कि यहाँ पर अब हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक काम पहले करना होगा कि br टैग को यहाँ पे ओपन करना होगा, फिर क्लोज करना होगा, फिर एंटर करेंगे। देखिए br टैग जो है एम्प्टी टैग होता है, इसे ओपन किया जाता है लेकिन क्लोज नहीं किया जाता, ऐसे ही रहता है ये ओपन स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड, तो password ये पासवर्ड दे दिया। और पासवर्ड देने के बाद एंटर करके नीचे आते हैं, इनपुट टाइप टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप लगाएंगे, इनपुट टाइप इस तरीके से, और इज इक्वल टू क्या देंगे, पासवर्ड देंगे। इनपुट टाइप क्या होगा, पासवर्ड होगा, तो password पासवर्ड लिख दिया। ये पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या दे देंगे, पासवर्ड किस टाइप का होगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे, बस नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ये इनक्रिप्टेड खुद को खुद हो जाता है, जैसे ही आप पासवर्ड लिखते हैं ना तो ये इनक्रिप्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से ये कर दिया हमने। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुकी है, तो कंट्रोल एस कर देते हैं सेव करने के लिए। आप यहां से भी जाके इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप रन करवा देते हैं इसको। तो चलिए रन करवाया जाए, लाइव प्रीव्यू इसकी देखते हैं हम क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने करा दिया है रन और रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक हेड टैग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लोजिंग हो गई है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया, कंट्रोल एस कर दिया। अब एक बार और इसका लाइव प्रीव्यू देख लेंगे हम। तो यहाँ पे रन करा दिया दोबारा से और ये आउटपुट कुछ इस तरीके के आ जाता है। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे यूजर आईडी देता हूं मैं, ये दे दिया यूजर आईडी। तो यूजर आईडी इनक्रिप्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम पासवर्ड में जाते हैं तो पासवर्ड देखिए, पासवर्ड ये इनक्रिप्टेड है, तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ओके।